गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आप सबको गुड़ी पाड़वा और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जा रहा हूँ गुड़ी पाड़वा अटेंड करने के लिए डोंबिवली। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फर्स्ट टाइम ही होगा, ऑब्वियसली हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही होती है। तो चलिए चलते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ बस का वेट, ठीक है? तो बस आएगी, चलते हैं फिर। हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम आ गए यहाँ पे गुड़ी पाड़वा अटेंड करने के लिए। तो मेरे साथ है अंकल और सुबह हम मतलब जिम में मिलते हैं। तो देखो अगर कभी फिटनेस का इतना ध्यान है तो सबको गुड़ी पाड़वा बोल दीजिए अंकल। सबको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। और वो मराठी में बोला हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा, थैंक यू। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। और यहाँ पे हम आए थे डोंबिवली में, यहाँ पे सब फोटो सेशन करवा रहे हैं। अच्छा, वाह, मजा आएगा यहाँ पे तो। अच्छा है, चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ। सारे यहाँ पे यंग एज वाले ज्यादा हैं। हाँ, कितना मजा से बना रहे हैं लोग। हाँ, बहुत खुशी से मनाते हैं। हाँ नहीं, वो तो खुशी है एकदम से मस्त एकदम। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा और आगे दिखा रहा हूँ। अरे वाह,
मनसे नेते आमदार प्रमोद उर्फ राजूदादा पाटील यांच्याकडून उपस्थित सर्व डोंबिवलीकरांना गुढीपाडवा व नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपण सर्वांना तो फ्रेंड्स ये है मंदिर, यहाँ से मतलब रैली स्टार्ट मतलब यहाँ पे एंड हुई थी. तो खैर हम तो अभी लेट हो गए हैं. तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अंदर मंदिर में दर्शन करेंगे. यहाँ पे एंड होता है. हाँ यहाँ पे भी भगवान का दर्शन लेते हैं. अच्छा गणपति का आशीर्वाद लेते हैं. अच्छा वेरी गुड. तो चलिए फ्रेंड हम आपको भी गणपति के दर्शन कराते हैं. बोल रहे हैं वहाँ पे वो गणपति बापा बोल रहे. ज्यांचे दर्शन झालंय त्यांचे बाहेर म्हणा, ज्यांचं दर्शन झालंय त्यांनी बाहेर म्हटले. कोणी सभा म्हणजे याच्या परिक्रमा तो फ्रेंड्स कर लिए हैं अंदर दर्शन और यहाँ पर मिल रहा है मिश्री का प्रसाद. तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं. तो ले लिया है हमने भी प्रसाद और अंकल अभी कुछ सेवा कर रहे हैं. क्या कहते हैं प्रसाद ले लिया मैंने. और क्या कहते हैं ये क्या है इसके लिए. ये हर दिन ये पूरा साल का पंचांग है. ओ वाह थैंक यू सो मच जी अंकल पूरा स्पेशल में दिलवा के दिया. तो चलो ठीक है अब हम चलते हैं बाहर और थोड़ा सा बाहर कवर करते हैं. हाँ जी अच्छा अरे वाह संतोषी चतुर्थी रहे थे. हाँ 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 उस दिन अभिषेक करते थे. ओके तो ये हमारे नाम से अभिषेक.
चप्पल ले लेंगे। चप्पल कहाँ है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी भी नहीं मालूम अभी तो। देखते हैं मिल तो जानी चाहिए यार, यही रखी थी कहाँ है ये। शुक्र है मिल गई। चलो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी आगे थोड़ा सा और दिखाता हूँ, ये देखिएगा। और इधर यहाँ पे सोनी मराठा वाले भी आए हैं, मराठी वाले सॉरी। आमचा विठू राया जास्वंदी त्यांच्या घरी जाणार आहे की काय, या लाजू नका, तुम्ही इथपर्यंत आलात आता स्टेज वरती या। तो फ्रेंड्स ये बनाव म्हणून यहाँ पे गुढीपाडवा फ्रेंड्स हमने क्या कहते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे गुड़ी पाड़वा कैसे सेलिब्रेट होता है। और वो रही हमारी पलावा की बस अभी, लेकिन क्या है अंकल गए वहाँ पे अंदर शॉप में, अब वो आएंगे, वो कुछ सामान ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपना घर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये है क्या चीज़ है, ये है क्या, कौन बोल रहा है। अच्छा आम बनना, अच्छा कच्चा आम बना, ओके ओ अच्छा। इतनी मीटर ग्रो रोड क्या, 3 मीटर। अच्छा और ये आम बना बहुत अच्छा है, मैंने देखा है यहाँ पे सभी जगह पे मिलता है, इधर बहुत जगह पे ठंड रहता है। थैंक यू सो मच ऑफर करने के लिए। और यहाँ पे अंदर में भी है क्या, मिल रहा है हाँ जी सभी जगह दो मिली में। हाँ ये और अजी ये जो स्टॉल दिखते हैं सभी जगह दिखते हैं, हमारे पलाव में भी है। अच्छा पूरी भजी का स्टॉल होता है ना। हाँ इसका जनक ये। अच्छा उसको 50 साल हो गए, उसको 50 साल हो गए। क्या है शॉप का नाम, क्या है ये, त्रिमूर्ति। अच्छा त्रिमूर्ति ग्रह है, ओके। फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अभी क्या कहते हैं गुड़ी पाड़वा टेंट करके, तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अंकल। मतलब अंकल कह रहे थे, अंकल तो जा ही रहे थे वहाँ पे, मुझे उस दिन जिम में मुझे बोला था चलने के लिए, तो मैंने कहा था हाँ ठीक है मैं चलूँगा। मतलब मेरा भी प्लान था अकेला जाने का, फिर अच्छा अंकल के साथ कंपनी भी हो गई और उन्होंने मुझे थोड़ी वो बहुत सारी बातें बताई, मतलब गुड़ी पाड़वा क्यों मनाते हैं ये वो, और वहाँ पर जो शॉप्स हैं अंकल बताते हैं वहाँ पे 40 साल से वहीं पे उनकी क्या कहते हैं उधर जो शॉप थी पुरानी, और वो जो खाने पीने की है तो वो बता रहे थे कि अगर कुछ खाना पीना हो ऐसा कुछ हो तो इस वाली शॉप से ले लेना। तो थैंक यू सो मच अंकल साथ चलने के लिए, मुझे साथ ले जाने के लिए, और बहुत मज़ा आया मुझे। तो ठीक है इस ब्लॉग को करते हैं फिर यही एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और वहाँ पे जो पुलिस में थे वो जो सर थे तो वो मुझे बस सिखा रहे थे क्या कैसे बोलना मराठी में, हार्दिक शुभेच्छा ये वगैरह, तो वो मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ ऑब्वियसली, वो मुझे बता रहे थे तब मैंने कैमरा मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, फिर मैंने उनसे पूछ के उनकी परमिशन लेके मैंने उनको ब्लॉग में लिया, तो उन्होंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है हम आपके लिए थे। मैंने कहा थैंक यू सो मच, और अच्छा था तो वो वाला मोमेंट मुझे कैप्चर कर रहा था जब वो मुझे सिखा रहे थे। एनीवे कोई बात नहीं कर दे रहा। और ये देखिए यहाँ का पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर कितनी भट्टी है यार। चलिए एनीवे चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।